पहले राउंड में 1000 से आगे, दूसरे में 2, तीसरे में 3, 10 राउंड हो गया 10000 से आगे। तो ये नौजवान कह सकता है कि कम उम्र में कितना कुछ जीवन में लोग हासिल कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में बहुत ही डायनेमिक नौजवान साथी प्रयागराज के सीडीओ वर्तिका सिंह जी, जिन्होंने एक डूडा में नई जान लाने का काम किया है। जिस तरीके से मैं जितनी तेजी से काम कराना चाह रही हूँ उस तरीके से काम लोग नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही रात महोत्सव का टाइम होता है तभी चुनाव पड़ गया और आचार संहिता लग गई, वो क्रम टूट गया। और जब टूट गया तो वो टूट गया, नहीं तो उसके पहले बांध आशीष गोयल या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृत ध्याम हृदय बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभव से लज्जाम ताम तो अनुपा स्म परिपाल देवी विश्वम देवी सभी का कल्याण करे। तो तब ये शुरू हुआ था इसको लार्ज स्केल पे करवाने का। नंदा यमुना जिनका अद्भुत मिलन केंद्र तीर्थराज प्रयाग की इस पवित्र धरा पर, इन सभी को माननीय मंत्री जी की ओर से, माननीय विधायक जी की ओर से, और भले ही सशरीर उपस्थित नहीं है माननीय जिला समाज कल्याण अधिकारी पीओ डोडा और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के सम्माननीय मंडल अध्यक्षगण और भी गणमान्य जन, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु सभी की उपस्थिति में सभी करेंगे, अनंतर आगे के कार्यक्रम को गति दी जाएगी। फोटो सेशन हो गया, पत्रकार साथी कृपया ठीक है आप जोड़े जाएंगे। पीओ डोडा और पीओ डोडा कृपया आप जो अवशेष जोड़े हैं कृपया। आज जो है यहाँ पर कितने जोड़ों का जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह कराया गया और किस तरह से पूरा यह कार्यक्रम संपादित किया गया और आप खुद यहाँ पर उनको आशीर्वाद देने पहुँचे थे और एक एक जोड़े के पास आप गए थे? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को प्रणाम करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सबका सौभाग्य है कि हम उस कालखंड में जहाँ एक देश, इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। देश के प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख कर के योजनाएं बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के 23 करोड़ लोग कैसे सुख समृद्धिशाली हों उसको ध्यान में रख कर के योजनाएं बनाते हैं। जहां सपा बसपा की सरकारों में जातिवादिता चरम सीमा पर थी और सामूहिक लूट करने का काम करते थे, सामूहिक ऐसी योजना बनाते थे कि कैसे सड़क का ठेका 100 करोड़ से 200 करोड़ का दे करके अपने किसी आदमी को दे करके इस प्रदेश को लूटा जाए। प्रदेश के नौकरियों के नाम पे बसपा और सपा जाति के नाम पर कुछ रिबीट देती थी, पूरा छूट नहीं देती थी। और बसपा में जब शेड्यूल कास्ट से 10 लाख लेते तो गैर शेड्यूल कास्ट अदर देन चाहे बैकवर्ड हो चाहे श्रमण हो उनसे 15 लाख और 20 लाख लेती थी। ऐसे ही समाजवादी पार्टी यादव से 10 लाख और गैर यादव से 15 लाख और 20 लाख लेकर के नौकरियां देती थी। तो सामूहिक रूप से ये कैसे लूटे प्रदेश को, इसके लिए काम होता था। जब इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के हाथ में आती है तो इस प्रदेश में कैसे उन अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इससे अच्छा जीता जागता सबूत क्या हो सकता है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा। विभिन्न जाति धर्म मजहब के बच्चों के यहाँ शादियाँ हुई, बेटियों के हाथ पीले हुए, उनको उनकी गृहस्थी के सामान दिए गए लगभग 51,000 रुपये के, और तमाम स्वयंसेवी संस्थाएँ, तमाम स्वयंसेवी लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए हैं। कोई कुकर भी दिया है, कोई पंखा भी दिया है, कोई साड़ी दिया है, इस तरह से तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एक जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, एक जन जागरण का एक जन आंदोलन जैसा हो जाता है निश्चित रूप से। अभी बच्चियों का निकाह भी हुआ है, उन बच्चों से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ। आज के दौर पर ये भी कहना चाहता हूँ कि चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बसपा रही हो और चाहे कांग्रेस रही हो, इन लोगों ने अल्पसंख्यकों को डरा डरा करके वोट लेने का काम किया, इनकी भलाई के लिए कभी काम नहीं किया। इनके बच्चे स्कूटर के पंचर बनाने के मिस्त्री रहे हैं, इनके बच्चे एसी के मैकेनिक हो जाएं, स्कूटर के मैकेनिक हो जाएं,
इनके बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े इसके लिए कभी काम नहीं किया। मैं समाज कल्याण मंत्री हूँ, इसके पहले चाहे बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों चाहे सपा में आजम खां रहे हों, इन लोगों ने विभाग को लूटने का काम किया। वर्षों से 15 साल से बंद पड़ी स्कीम अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम हम ले आए, उसमें से पैसा ले आए, बच्चों को दे रहे लोन, एक बेटी ब्यूटी पार्लर खोल रही, कोई बेटी डॉक्टर बन रही है, पढ़ाई के लिए लोन दे रहे हैं, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यशस्वी महापौर महोदया का आशीर्वाद है, जब तक गौए पूजित है, जब तक गौए पूजित है, पूजित बट पीपल आम रहे, जब तलक प्रयाग मथुरा काशी पूजित विंध्याचल धाम रहे, तब तक इन पुत्र के रूप में जो स्थापित है, जिन्हें हम प्रयाग पुत्र की संज्ञा से विभूषित करते हैं, अलंकृत करते हैं, ऐसे मंत्री जी और शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक माननीय इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी के लिए अभिराम मनोहारी नैना विराम स्मृतियों के लिए ग्रुप फोटोग्राफ्स का कार्यक्रम माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में उनके आशीर्वचन के क्रम में मद्रासी गुजराती लेकिन सबसे पहले हम सब केवल भारतवासी, ये विहंगम दृश्य है। प्रिया शर्मा और रिचर्ड जार्जी अगले जोड़े के रूप में संजना और विशाल प्रजापति जी।